खबर के प्रायोजक हैं भूषण ज्वेलर्स सोलन। विलुप्त होने के कगार पर मोटे अनाज की पौष्टिक फसलें एक बार फिर चेहता कुपवी के बंजर पड़े खेतों में लहलहाती नजर आएगी। इसके लिए बीडीओ कुपवी अरविंद गुलेरिया ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कुपवी के पंचायत प्रतिनिधियों, कृषि सलाहकार समिति, कृषि विभाग एवं स्थानीय किसानों के साथ एक बैठक आयोजित की और कहा कि आज के दौर में विलुप्त हो रहे पौष्टिक मोटे अनाज के संरक्षण की अति आवश्यकता है। कुपवी ब्लॉक में मोटे अनाज की खेती को नरेगा के तहत लाकर किसानों को प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए किसानों को बंजर खेतों के सुधार एवं सिंचाई के लिए टैंकों के निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। कृषि विकास अधिकारी चौपाल लायकराम हेटा ने कहा कि इच्छुक किसानों को विभाग द्वारा मोटे पौष्टिक अनाज का बीज उपलब्ध करवाया जाएगा। यदि बीडीओ अरविंद के प्रयास सिरे चढ़े तो आने वाले समय में चेहता क्षेत्र के खेतों में विलुप्त हो रहे अनाज की बहार होगी। आज विकास खंड कुपवी में कृषि विभाग के साथ मिलकर और जो लोकल लेवल पे हमारा एफपीओ का संगठन है उसके साथ मिलकर एक मीटिंग की गई, जिसमें कुपवी या चेता परगना, जिसकी पहचान जो थी ट्रेडिशनल मिलेट्स या पोषक अनाज जिसको बोलते थे या मोटा अनाज जिसको बोलते थे, उसके ऊपर गहन चिंतन किया गया। इसमें हमने ये डिसाइड किया है कि जो अनाज हमारे विलुप्त हो रहे हैं, स्पेसिफिकली हमारा जो ओगला और जावरी है, उसके ऊपर स्पेशल फोकस किया जाएगा। ब्लॉक की तरफ से ये एफर्ट किए गए हैं कि जो भी किसान इस अनाज को अपने बुर्द खेत में लगाएगा, ब्लॉक की तरफ से उसको मदद की जाएगी, भूमि सुधार दिया जाएगा। उसका अगर खेत खराब है डंगा दिया जाएगा, या उसके खेत ठीक हैं तो उसको जो है एक पानी के टैंक की मदद की जाएगी। जो भी किसान इस अनाज को लगाएगा उसको नरेगा की स्कीम में प्राथमिकता दी जाएगी। तो मैं सभी अपने जो यहाँ पर हमारा जो एक सामूहिक एफर्ट है, मैं सभी एफपीओ के संगठन के मेंबरों को, सभी प्रधानों को निवेदन करता हूँ कि कुपवी की जी जो पहचान है, जिसको ट्रेडिशनली पारंपरिक जो हमारी खेती है, जो जिसके लिए ये चेता परगना जाना जाता था, उसके लिए आप सब एफर्ट करें ताकि हम जो है इसको विलुप्त होने से बचाएं। धन्यवाद। आज विकासखंड कुपवी में ब्लॉक फार्मर एडवाइजरी कमेटी और ब्लॉक और कृषि विभाग तीनों की संयुक्त रूप से बैठक हुई, जिसमें कि जो हमारे क्षेत्र से जो पोषक अनाज है जो विलुप्त हो रहे हैं उन पर गहन चर्चा की गई और ब्लॉक द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई कि जो मोटे अनाज है कुर्दा, कवणी, उपला, फाफड़ा, चौलाई, ये उगाओ और मनरेगा में प्राथमिकता पाओ। तो ये अच्छी मुहिम है और कृषि विभाग इसमें भरपूर सहयोग करेगा, बीज उपलब्ध करवाने में, किसानों को बुआई के समय कैसे बुआई करते हैं वो करवाने में और फसल को बचाने में भरपूर सहयोग करेगा। आज हमारी एफएससी कुफी की मीटिंग हुई है, जिसमें प्राकृतिक खेती पे काम करें, जो लुप्त हो गए थे हमारे अनाज चौड़ाई, कोदा, कौनी, छाओक, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमने सब ने निर्णय लिया है कि हम इस खेती से दोबारा जुड़ेंगे, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे किसानों के लिए और हर चीज़ के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है। इसलिए सभी मेम्बरों ने हमने डिसाइड किया कि हम प्राकृतिक खेती आप अपने खेतों में दोबारा उगाएंगे, जो कि बहुत ही आवश्यक है। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुँचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।